ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। आज मैं आपको राशि भविष्य साप्ताहिक भविष्य बताने जा रही हूँ 13 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का। और इन दिनों दो से तीन ग्रहों का स्थानांतरण हो जाएगा। एक तो बुध जो है वो मीन में चले जाएंगे, कल जो है वो सूर्य मीन में चले जाएंगे और चंद्रमा वृषभ में चल रहा है। तो आइए मेष राशि के विषय में जानते हैं। मेष राशि के लिए आपके पैसे आने के दिन दोपहर के बाद में पैसे और परिवार में खुशी चाहेगी और आपको अच्छा फील होगा। हालांकि सूर्य का स्थानांतरण आपको बच्चों के विषय में जो परेशानियां चल रही थी उसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर करेगा। और आप अगर गायत्री के जाप करते रहें तो आपकी परेशानियां माइंड की कम हो जाएंगी ऐसा मुझे लगता है। बुध का स्थानांतरण आपको बाद में बताएगा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं फॉरेन से रिलेटेड तो वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन सावधानी रखनी है आपको शत्रुओं से। फिर आती है वृषभ राशि। लग्न में चंद्रमा आपकी पर्सनालिटी को देता है उजागर करता है, एकदम प्रकाश देता है। और आपको कोई मीडिया से रिलेटेड है अगर कोई ऐसा काम करना है जिसमें मीडिया इन्वॉल्व है तो आपको ये दो ढाई दिन में अच्छी असाइनमेंट मिलेगी। आपका मीन राशि में सूर्य आने से लाभ में आपको पैसे भी आने की संभावना होगी, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। और जब बुध मीन राशि में आ जाएंगे तो बुधादित्य योग होकर यह लाभ दुगना हो जाएगा। आपको जो परेशानी चल रही है आपकी माता से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड और मातहत लोगों से रिलेटेड, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप गायत्री के जाप तो नहीं कर सकते, गायत्री के जाप आपके विरुद्ध जाते हैं। तो आप क्या करें, आप शिव जी की पूजा करें, शिव जी की लघु रुद्री करें। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो जाके बैठा हुआ है भाग्य में, तो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं, आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। और अभी सूर्य दशम में आके आपको जो लोग बड़े बड़े अहदे पे हैं और जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं नौकरी पेशा पे हैं वो सपोर्ट करके आपको अच्छे काम दिलवाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा द्वादश में आकर आपको प्रेमी मिलन करवाएगा, प्रेमिका से मिलन करवाएगा और या तो आपको कोई फॉरेन का कोई अच्छा ऑफर आएगा। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि से रिलेटेड चंद्रमा जो होता है उसके लग्न का स्वामी वो उच्च का होने जा रहा है। दो ढाई दिन तो पौ बारह है आपकी, आप अच्छे बड़े से बड़े काम कर सकते हैं जिससे आपको पैसे का फायदा हो। हालांकि आप माइंड से बहुत परेशान हैं, पैसे तो कमा रहे हैं आप लेकिन यही सोच रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है, आप बहुत गलत सोचते हैं। सोचने से आदमी का फ्यूचर बन जाता है, याद रखिएगा सोचना एक बहुत बड़ी शक्ति है। पूरी मेडिटेशन जो है ध्यान और मेडिटेशन ये पूरा सोचने समझने की शक्ति पर बना हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से अपने सोचने पर ध्यान देना है। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि में लग्न में बैठा राहु कलुषित कर देता है आपकी पर्सनालिटी, भ्रमित रहते हैं आप। अपने पर्सनालिटी को सबसे पहले उजागर करने के लिए आप गायत्री के जाप कीजिए। ओम भूर्व स्वाम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सूर्य की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए और अपनी मम्मी की तबीयत का ध्यान कीजिए क्योंकि उनकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। हालांकि उच्च का दशम में आके चंद्रमा दो ढाई दिन आपको काम से रिलेटेड परेशानियां जो हैं वो कम करेगा। और साथ ही साथ आपके जो सूर्य बुध जो आके बैठ जाएंगे अभी आपके अष्टम में, वो तबीयत से रिलेटेड परेशानी भी आपको कोई ना कोई मार्ग उसका दिलवा देंगे। फिर आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए लग्न का स्वामी बुध अब आके सम्मुख बैठ जाएगा सूर्य के साथ में थोड़े ही दिन में, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव महसूस होगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। सूर्य का स्थानांतरण भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप तेजस्वी ओजस्वी हो जाएंगे। और चंद्रमा का स्थानांतरण जो अभी ढाई दिन के लिए होगा दोपहर के बाद वो भी आपको लाभ दिलवाएगा, तो ये हफ्ता तो आपका अच्छा जाने वाला है। हाँ, इंडोर ट्रैवलिंग से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको टाल दीजिए। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि के लग्न का स्वामी जाके बैठा हुआ है पंचम में, जिसकी वजह से उनके बच्चों का वो बहुत ध्यान रख रहे हैं। हालांकि बहुत दिनों से उनको उनके बात करने से परिवार में झगड़े बगड़े ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इससे बचने के लिए वो हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। और अभी उच्च का चंद्रमा आ जाएगा अष्टम में, तो उससे क्या होगा, उससे आपको कुछ ना कुछ इलाज मिल जाएगा, आपकी
किसी तबीयत का तो परेशान ना हूँ। फिर आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में कई दिनों से मैं बताई जा रही हूँ कि लग्न में शनि मंगल युति चल रही जो आपको परेशान कर रही है, और दशम में राहु गुरु चंडाल योग बना जिसकी वजह से पैसे नहीं आ रहे आपके पास में, काम ठीक से नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो अभी आपके पार्टनर और पत्नी से सलाह लीजिए, ये दो ढाई दिन वो बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी और एकदम प्रफुल्लित रहेंगे आपके साथ, प्यार मिलेगा आपको उनसे, स्नेह मिलेगा, और उसके बल पर आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। और वैसे भी आप सूर्य आपके पंचम में आने वाला है तो आपको डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाएगी, बच्चे आपके अच्छा रिजल्ट वगैरह लाएंगे। फिर आती है धनराशि। धनराशि के लिए आपके चतुर्थ में आ जाएंगे सूर्य महाराज, तो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो, और चतुर्थ में आ जाएंगे, हालांकि अष्टम में आएंगे, लेकिन आपकी माता को मिलेगा बल, वो अपने काम ठीक से कर पाएंगी और वो आपको सलाह भी ठीक से अच्छी दे पाएंगी। अब जो स्थिति बनी हुई है आपके लग्न के स्वामी की गुरु की, वो गुरु चंडाल योग के कारण आपके काम आते आते बनते बनते बड़े बड़े काम नहीं बनते हैं, उसके लिए आप किसी गुरु की शरण में जाइए। हो सके तो आप जो है मां मृत्युंजय के पाठ करवा लीजिए अपने नाम से। मंगल शनि युति चल रही है आपके द्वादश में, जिसकी वजह से आपको बाहर की, जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ इंडिया की, आपको कोई भी ट्रैवलिंग जो है आपको टाल देनी है, और प्रेमी प्रेमिका आपस में झगड़ा ना करें, मेरी सलाह है चुप रहिए, ना हो तो स्पेस दीजिए एक दूसरे को। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए चंद्रमा दिमाग पर बैठ के दो ढाई दिन आपको बहुत अच्छे विचार देगा, आप बच्चों के विषय में बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। पढ़ाई विद्या अगर आपको भी कुछ करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं, हालांकि आपका लाभ रुका हुआ है, इस बारे में आप बहुत ही चिंतित हैं, और मैंने आपसे पहले भी सलाह दी थी कि आपको शिव जी की महाकाली की आराधना करनी चाहिए, तो आपके ये रुके हुए लाभ वगैरह महाकाली के मंदिर आप मंगलवार के दिन अगर जाएं तो आपको ये फायदा दे सकता है। इसके अलावा भी तबीयत नासाज है तो शिव जी की और महाकाली की आराधना आपके लिए अति उत्तम रहेगी। फिर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का चतुर्ग्रही योग लग्न में खत्म और सूर्य आगे आ गए, आपके परिवार के लोग आपका बहुत साथ देंगे, आंखें खुलेंगी आपकी कि अब आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पैसे डालने चाहिए, कहाँ से पैसे आने चाहिए, परिवार के सभी का ध्यान रखना चाहिए, बात आप तेजस्वी ओजस्वी करना शुरू कर देंगे। हालांकि काम में बहुत ही नुकसान हुआ पड़ा है और काम अच्छा नहीं हो रहा, पार्टनर से रिलेटेड कोई परेशानियाँ हैं, तो अभी थोड़ा 6 जून तक आप उनको टाले रखिए। और आपको एक सलाह है मेरी कि आप लघु रुद्री करते रहिए हर महीने प्रदोष के दिन। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य आपको तेजस्वी ओजस्वी बनाता है, हालांकि आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आपके भाग्य रुके हुए हैं, बात ऐसी है कि लोग आपके विषय में बहुत गलत सोचते हैं, आपको उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आप ऐसे नहीं हैं या आपके मन में क्या है, आप कैसे पॉजिटिव सोचते हैं। लोगों से दूर रहकर और चुप रहकर आपकी समस्या का हल नहीं होगा, आपको स्पष्टीकरण देके आपके काम बढ़ाने चाहिए, आगे करने चाहिए ताकि लोग आपका साथ दें। कहते हैं सक्सेस इज नथिंग बट टू इंड्यूस पीपल टू कोऑपरेटिव। मैं बता रही थी आपको भविष्य राशि, भविष्य साप्ताहिक भविष्य 13 मार्च से लेके 20 मार्च तक का। एक बात आपको बता दूं कि कभी भी ज्योतिष और कुंडली के हिसाब से सारे डिसीजंस न लेते हुए प्रैक्टिकली भी सही सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर आपको बोल दे कि आपको हार्ट अटैक आएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं, तो आपको सबसे पहले उबला खाना शुरू करके, एक्सरसाइज रेगुलर करके, मेडिटेशन करके, स्ट्रेस को कम करके अपनी तबीयत पर प्रैक्टिकली ध्यान देना चाहिए ताकि 50% आपकी तबीयत ठीक हो जाए। इसी तरह हर प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली हैंडल करते हुए क्या समस्या है उसकी जड़ में जाके समस्या को खत्म करना चाहिए और अपने जीवन को सुखकर बनाना चाहिए। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाइए और वृद्धों की सेवा कीजिए। फिर मिलूंगी इसी तरह अगले सप्ताह साप्ताहिक भविष्य बताने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।